لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

अलफिजो यह अल्लाह त नाम है यानी इसे तयबुद जायज़ है जैसे अब्दुल हाफिज़ ऐसे नाम रख सकते हैं भले ही हमारे माशरे में अब्दुल हाफिज़ मेरे इल्म में किसी का ऐसा नाम नहीं है लेकिन अब्दुल हाफिज़ ऐसे नाम रख सकते हैं क्योंकि अलफ़ अल्लाह ताली का एक अजीम नाम है और अलफिज़ इसी से नाम है ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है अलफ़ी अलफिज़ अल हफ़् यह अल्लाह आलमीन की सिफ़त है यानी अलफ ये जो अल्लाह रब्बुल रब्लम की सिफत है इसी से अल्लाह ताला का नाम बना है ऐसा नहीं है वो नाम भी मस्कूर है कुरान और हदीस में ये बात क्यों कही जाती है अल्लाह ताला की कोई भी सिफत पढ़ते हैं तो उससे उसका नाम बना लेंगे ऐसा नहीं है ना जो भी अल्लाह का नाम होगा उससे अल्लाह की सिफत बनती ही है लेकिन अल्लाह सुबहान व तैयार की जो सिफत होगी उससे नाम भी बना लेंगे ऐसा नहीं है यह तो हम बारह कह चुके हैं तो अलफ़् जो जो अल्लाह ताला की सिफत है इसी वजह से अल्हफिज़ो नाम है अलहफि नाम बनाए नहीं वो खुद सुन्नत में मस्कूर है अल्हिफ़्जू इसका अरबी ज़ुबान में माना क्या है इसका माना ये है फारस रम्ह अहमद इब्न फ़ारस ये बहुत मारूफ़ लोअवी हैं बहुत मारूफ़ लोअ़ी इनकी किताब है मजमो मकाय सल़ीम लुगा। लोवी हैं तो इसमें इन्होंने ये पाँचवें सदी हजरे हैं चार सौ नौत पर चार हिजरी से नफ़ा था इनका या चार सौ और पाँच तो इसमें इन्होंने हाफिज़ा इस फ़ेल के तहत इन्होंने ये माना लिखा कि अल्हाऊ वलफाऊ व उद यदुलरात शई यानी किसी चीज़ की निगरानी करना किसी चीज़ की निगहबानी करना किसी चीज़ की हिफाजत करना किसी चीज़ की रियायत करने में हिफाजत करने में गफलत नहीं बरतना यानी उसके ताल्लुक़ से एक मुहाफिज बन जाना ये माना है उसका अरबी ज़ुबान में कहा जाता है अ तफ़ुज तहफुज कहते ना तहफ़ सुन्नत तो तहफ़ुज़ात, अरबी ज़ुबान में जब कहते हैं तफुज माना यह है क़िल्लत नहीं भाई इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए अरबी ज़ुबान में कहते हैं अलहिफाज अलहिफाज यानी अलहफत तो अल्मूर मामला की निगरानी करना किसी भी चीज़ की निगरानी करना हिफाजत करना अल्लाह ताला के लिए अल हाफ अल हाफ जो बोलते हैं तो उसका माना क्या होगा वो आगे बताऊँगा अरबी ज़ुबान में जो अल का जो मना अभी मैंने आपको बताया इस आम मानी में भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में मिसाल के तौर तो पर सूरत यूसुफ ही में कई जगह पर यह लफ्ज़ आया है अल्लाह सुबहान लिए भी और बंदे के लिए भी आमूमी माने में मसला सलाम के जो अखवान हैं उनके जो भाई थे याकूब सलाम से यूसुफ़लीसलामाम को लेकर के गए ना घूमने के लिए खेलने के लिए तो क्या कहा उन्होंने ويلعب व له لحافظون कि कल हमारे साथ भेजो इनको ताकि ये खेल कूद करें मौज मस्ती करें थोड़े से सुस्ता लें फ़राग मिलेगा इनको हमारे साथ मज़ा उड़ाएंगे और हम इनको ऐसी ज़ाय होने नहीं देंगे हाफिजा ये जो अवाहा है ना अवाहा किसी चीज़ को ज़ाये कर देना <z Gröning> किसी चीज़ का ज़ाय हो जाना अज़ <zranch> किसी चीज़ को ज़ाय कर देना तो हाफिजा अज़ा का ज़िद है किसी चीज़ को ज़ाय कर देना या किसी चीज़ को उसको उसको उसकी हिफाजत करना कहा कि व इन हाफिदून और हम इनकी कड़ी निगरानी करने वाले हैं हम इनकी हिफाजत करने वाले हैं हम इनको ज़ाय होने नहीं देंगे गफलत नहीं बरतेंगे एक गोया कि आपके अमानत है हमारे पास और अमानत के हम मुहाफ़िज़ हैं बात वाज्य हो गया आपको तो ये जो अलहिफ्ज़ है ये अमानत अमानत की भी माने में आती है चीज़ यानी कोई चीज़ हमारे सुपुर्द है किसी की अमानत तो उसके हम किस तरह से उसकी निगरानी करेंगे गफलत नहीं बरतेंगे यूसुफ़ अलीस्त ने अज़ीज़ मिर्स से कहा नहीं एलाज़ा इन नी हफ़ीम मुझे जो ये खाने पीने के जो अशिया हैं जो अनाज है ज़मीन के जो जो जमीन में अभी जो फसलें जो तैयार हुई हैं सात साल बारिश के बाद सात साल की कैद साली का जो लंबा फासला आने वाला है मुझे इसका निगरान बना दें मैं इसका निगरान हूँ हफीजनि हफीज के क्या माने लफ्ज देख रहे हैं आप यानी मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ इसका निगरान हूँ इसमें रत्ती बराबर भी गफलत बरतने वाला नहीं हूँ एक गोया के करोड़ों लोगों की अमानत है ये ये चीज़ है और फिर इसकी हिफाजत कैसे की जाती है लोगों में तकसीम कैसे की जाती है अलीम मुझे अल्लाह ने उसका इल्म इलम अता है मैं उसकी जानकारी भी रखता हूँ अच्छी तरह बात वाजी हो गया आपको तो अल्लाह सुबहान व ताली के लिए जब हम कहते हैं हफीज क़ुरान मजीद में अलफीज़ अल हाफि ये दोनों नाम अल्लाह ताला के लिए मशकूर हैं मिसाल के तौर तो पर आप देखिए जहाँ तक मसला हफीज़ का है अल्लाह रब्लिन Al का एक नाम कुरानी मस्जिद में कई जगह पर है तीन मकाम पर है हफीज़ एक जगह पर सुरत हूद में अल्लाह सुबहान ताली नेूद आल साम ही ही के कस्े में इस बात को बयान फरमाया और भले ही हुदलीसम कीदी हुद सलाम का जो किस्सा है सुरत में और जो आयत करीमा मैं बतौर इस दलाल के पेश कर रहा हूँ जिसमें अल्लाह ताली का नाम अफीज़ है लेकिन उस आयत का पैगाम देखिए क्या ये पैगाम सिर्फ हूद हुदेहीसलातम ने अपनी कौम के लोगों से कहा या आज की जो हुकूमतें हैं आज के जो लोग सरकर्दा हैं क्या उनसे यह आयत हम नहीं कह सकते कितनी कितनी माना पे गौर कीजिए आप अल्लाह अकबर हुदी सलातम ने कहा अपनी कौम के लोगों से कि अगर तुम मुंह मोड़ लेते हो फिन तवल अगर ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं तुम लोग मुंह मोड़ लेते हो एराज करते हो मेरी बातों से जो मैंने आपके सामने हक़ रखा है जो तोद की बातें मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं कि तुम्हारा खालिक कौन तुम्हारा रब कौन तुम्हारा मालिक कौन और फिर इसी के नतीजे में तुम्हारा मबूद बरहक कौन अगर इसे तुम एराज करते हो फ अब लग तो कम मा उसिल तुबि इहीकुम फकत अब तो मैं तो अपनी बातें पहुंचा दिया हूँ माँ उर्सिल तुबिई कुम जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे तरफ रसूल बना के भेजा है वो वो मकसद तो पूरा हो चुका है मैं तो पूरी बातें रख दिया हूं तुम्हारे सामने अगर तुम इराज करते हो तो फिर होगा क्या अल्लाह ताला अल्ला ने कह, कहा हुद अलैहि साहब ने कहा यस रब्बी कौमन गैरकुम अगर तुम मेरे इन बातों को इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि तौहीद की जो दावत दी जाती है वो 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 हुकूमत पर कोई भी लोग क्यों ना हो तोहद की जब दावत उनके सामने रखी जाती है अगर वो उसे कबूल नहीं करते हैं तो अल्लाह सुबहान तला एक, एक, एक मियाद एक मुद्दत की बात उनका सफ़ाया कर देते हैं रब्बुलमी हूद्रम ने यही कहा कि वह यस्तलिफ़ो यस्तलिफो रब नखिलाफ यानी तुम्हारी जगह अल्लाह तला किसी और को वो हुकूमत दे देगा किसी धमकी है देख रहे हैं अल्लाह अकबर यानी जो हम यानी ताकत देख रहे हैं आप क्या हो तो आलिसमिल में जैसे बोलते ना कि भाई एक फ़िलहाल एक हुकूमत में है दूसरी एक पार्टी जो उनके मुकाबले में खड़ी है कभी भी उनको एक चुनौती दे रही ऐसा है क्या एक चैलेंज है उनके लिए नहत एक इंसान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे जो मैंने तो पूरी बातें तुम्हारे सामने रख दी हैं तो नतीजा क्या होगा इसका यही होगा कि यह तख्लिफो रबी खौमन गई रकम अल्लाह तगह में तो एक और कौम को लाएगा तुम्हारी जगह में तुम तुमको ये हुकूमतें ये अब तुम तुम्हारा सफ़ाया हो जाएगा क्या वो गरीब बात है नहीं अल्लाह अकबर और ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ तैयारी कर लो मुकाबले के लिए वाला तजुरु नई आ तुम कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप में से कोई बता सकते हैं कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते तर्जुमा कहां से आया वाला तजुरु नहुशन शे अन अरबी जुबान में एक इस्म है ना एक इस्म है देखिए ये कुरान मजीद को सीखने के लिए अरबी जुबान जरूरी और अरबी जुबान ही काफी नहीं है कुरान की जुबान भी सीखना जरूरी ये शायद दकी फर्क मैं दरमियान में बता दे रहा हूं यानी अरब अरब लोग हमको क्या कहते हैं अजम क्या माने आजम के वो क्या अरब का जिद है क्या जैसे रात की जिद क्या है दिन मर्द की जिद क्या है औरत सफेद का जिद क्या है काला रंग तो क्या अरब का जिद अजम है क्या तो अरब के माने बोलने वाले के हैं क्या नहीं ना अरब अपने माँ सिवा दुनिया के सभी लोगों को एक अजम इसलिए कहते थे कि भाई जिस तरह से एक जानवर है जानवर से आवाज निकाल सकता है गुफ्तु कर सकता है क्या गुफ्तगु तो हमारी है असल हम हम असल में गुफगु करते हैं गुफ्तगु का मेयार तो हमसे सीखो तुम्हारा गुफ्तु करना ऐसी कि तुम अजम हो जानवर हो तुम लेकिन कुरान जिस उसलूब में नाजिल हुआ भले ही हरूफ व अरबी जुबान के हरूफ हैं लेकिन कुरान ने इनको अजमी बना दिया इनको इस जैसा कलाम ला के दिखाओ इतना नशा है तो वही वहीफ कुरान के असालिब जुदा कुरान का अंदाज जुदा सुबहान अल्लाह कुरान ने गोया कि वो उसलूब में इनके सामने बातें पेश की इनको बच्चों की तरह अली बाता की तरह कुरान की जुबान सीखना पड़ा इनको जिनको जुबान का नशा था समझ रहे हैं अब देखो यहां पर अल्लाह ने कहा लाता उन अरबी जुबान में इसम है और मारिफा है कि नकिरा है नकिरा है जब कोई इस्म नकिरा हो और नफी के सियाख में आए किसके तो अमूम का माना आता है ला ल तजरु नुशी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते रत्ती बराबर भी जैसे ना वमा रब लबीद तुम्हारा रब रत्ती बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है दीन मिन हरा जीन नकिरा है इस्म है और जो है सिया नफी के सियाख में आया अब वो हमारा मौजू नहीं है ये उसमें आपको बताना चाह रहा हूं और अरबी जुबान में कोई इसम जब नकिरा होता है ना उसकी कई माने आते हैं कभी नकिरा आता है इसम मामले को बड़ा बताने के लिए औला इकअला मर्रबीम समझ रहे बिहार बिन मिन अल्लाह व रसूली हरब इसम है नकिरा है लेकिन अजमत के लिए बड़ी बात बताने के लिए कभी इसम नकिरा होता है और और बिल्कुल तकलील तहकीर किसी चीज़ को हकीर बताने के लिए वोला नबुल बिश इन मिनल खौफ ईउन देख रहे इसमें नकीरा है यानी हल्की फुल्की चीज भाई दो रुपए आपसे ले ले जाएंगे और आजमाया जाएगा आपको करोड़ रुपए नहीं दो रुपए लेके आजमाया जाएगा आपको समझ रहे आप तो यहां कहा कि ला यानी तजुर वो जो नकिरा है ना उसको कहते हैं तहकीर के ले, ले तहकीर तहकी रत्ती भर तुम्हारे पास कोई हैसियत ही नहीं है किसी तौर तो पर भी तुम जो है मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते और कहा इन रब्बी अला खुल्ली शई हफीज मेरा रब हर चीज़ से मुत्ल हफीज़ है यानी तुम्हारी एक एक नेकी एक एक बुराई तुम्हारा कौल तुम्हारा फ़ेल तुम्हारी चलन तुम्हारी निगाहें तुम्हारे वसाविस एक एक चीज़ का मुहाफ़िज एक एक चीज़ की निगरानी के की रबालमीन ने कोई चीज़ जाए तुम कैसे सब अल्लाह को, को मालूम है अल्लाह अकबर तुम है एक बड़ी तादाद में लोग तुम्हारे लेलो नहार तुम्हारा एक 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 पल एक एक लम्हा सब अल्लाह की महफूज सब अल्लाह के पास महफूज है अल्लाह हाफीज़ है अल्लाह अकबर कैसे नाम इस्तेमाल किए देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं कहती इन्ना रब आल्ल ऐसी कुछ भी नयाम नहीं, नहीं एक एक बिल्कुल जची हुई बात इन रब आला कुल्ली अल्लाह अल्लाकबार बता दें हो गया आपको अल्लाह सुबहान ताम अल हाफिज़ ये भी सुर्ण, ये शुरू यूसुफ़ में मौजूद है यूसुफ अलीसद्लाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और इरादतन गए थे ज़ाय करने के लिए ज़ाय करके आए उनकी उनके अतबार से जब एक मरहला वो आया कि वो मिस्र गए थे और अनाज लेकर के आए तो यूसुफ अलीलाम ने पूरी कार्रवाई मालूम कर ली उनसे तुम कौन हो तो ये तो जानते थे ना फायर फा लहूम उनकी रून यूसफ तो उनको जानते थे ये तो यूसुफ को नहीं जानते थे भाई कुएं में डाले कहाँ आजीज मिस्र बन गए कहा हाकी में मिस्र कैसे बन सकते जिसको हमने कुएं में डाला है वो आज हाकी में मिस्र ये कैसे हो सकता है ये तो नहीं जाने इनको और लेकिन ये तो जानते थे लेकिन बिल्कुल इनको शोर इनको समझबूझ भी वो नहीं हो सकी उनको शुरू भी नहीं आया उनको वो एहसास भी नहीं हुआ उनको सारी मालूम ले लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहाँ से आए मतलब कहाँ वो और वो कितने लोग हैं आपके घर में ऐसे हमारा एक भाई भी है अच्छा वो क्यों नहीं आए ये सब सारी बातें मतलब बिल्कुल उनको एहसास भी नहीं हुआ ऐसी मालूम ले ली उनको लेकर के कहा कि जो को तुम्हारे भाई को तुमने लेकर नहीं आए ना ठीक है चलो वालिद साहब को हम मानते हैं कि बुजुर्ग हैं वगैरह वगैरह लेकिन भाई को तो नहीं लाए ना उनकी रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी आपको फ़िलहाल मैं दे दे रहा हूं आपको ये कर्म है हमारा ये एहसान है हमारा हम दे दे रहे हैं आपको दोबारा ऐसा नहीं होगा दोबारा जब आएंगे तो आपके भाई को लाना पड़ेगा वरना उनके हिस्से का हम अनाज नहीं देंगे आपको वाली साहब बुजुर्ग हैं हम उनका ख़्याल करेंगे उनकी रियाद करेंगे उस, उनका नहीं वो भाई का नहीं एक तदबीर थी यूसुफ असलाम की जब ये गए यूसफ यकूब आलिम के पास और सारी बात रह रखी तो याकूब वाली सलाम मजबूरन भेजा लेकिन कहा अलाई अमिन तो कुमाल अब मैं तुम्हारी बातों पर कैसे इम, कैसे यकीन करूँ मैं कैसे तस्दीक करूँ तुम्हारी बातों की जैसे पहले जो यूसुफ को जो बातें मेरे सामने रख कर के गए थे वही तो बातें हैं जैसे उस वक्त मैं तुम्हारी बातों में आया वैसे ही मैं आपको दे रहा हूँ अल्लाह ख़ैर हाफिज़ा समझ रहे हैं सुबह अल्लाह खैर हाफिज़ा तुम्हारी बातों का तुम्हारे अखबाल का मेरे इस बच्चे का मेरा मेरे उस बच्चे का सबका मुहाफिज़ निगरान कौन है सुबह अल्लाह अल्लाहा हाफिज़ा अल्लाह अकबर ये ये अल्लाह से ताल्लुक की बात है ये लेकिन जैसे हमारे पास ज़ुबानों में कुछ भी नाम आ जाता है ना कभी हम माशरे में पूछते हैं कि भाई अल्लाह सुबहान तला का एक नाम है मसलन मसलावारी ज़रा दुआ करो इस नाम से कैसे कैसे कब, क्या ज़रूरत है तुम्हारी दुआ की मालूम ही नहीं कैसे दुआ करेंगे हमको आता है रहमान रहीम अल मालिक अल गफूर एल्ला तो हमारा रब है तो हमारा गफ़ूर है वगैरह 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 यानी तीन चार नाम ही हैं सुभान अल्लाह समान हम हमारे इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने लोग सुन रहे हैं अगर हमारे मुशरे में हमसे पूछे कि मैं तुम्हारे अबा के बारे में कुछ बोलो मैं कुछ बोलूँ बख्या बोलो मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ मेरे वालिद के बारे में क्या कहेगा मुझे क्या कहेगा मुझे अगर मुझे ठीक है आप अपने भाई अपने अब्बू के बारे में बोलो नहीं मुझे पूरा नाम तो नहीं मालूम है उनका दो साल के बच्चे तो नहीं ना नहीं हमारे अबू का मुझे पूरा नाम नहीं मालूम है हमारे वाले साहब क्या करते हैं नहीं मालूम है हमारे वाले साहब की मिजाज से तो मैं कभी वाकिफ नहीं हो सका नहीं मुआशरा क्या कहेगा उस इंसान को कति नज़र मुसलमान है कौन है वो कति नज़र क्या कहेगा मुआशरा जिसने हमें पैदा किया है जिसकी तरफ हमें लौट के जाना है जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है जिसने हमें माँ बाप दिया भाई बहन दिया जिसने जिसने हमें इज़्ज़त दी जिसने हमें रोज़ी रोटी दी जिसने हमें क्या सब क्या क्या गिनवाएंगे और कहने के लिए मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम है क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है बताइए क्या हम अल्लाह से कितनी दूर हैं कितना फ़ासला है देखे हमारे और हमारे रब के दरमियान न सरल हाफ्लम फिर कहते हैं कि हम मांग रहे मांगरे मांगरे दे नहीं रहा है रबालमीन हमें तारुफ ही नहीं अपने रब का ये बहुत बड़ी गफलत है कहा कि अल्लाह ख़ैर हाफिजा फौरन का अल्लाह उखैर हाफिजा अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस नाम के अंदर कितनी वसात है कितनी गहराई थी उनके अंदर जो आपने एक नाम के साथ पूरी चीज़ों को आपने उसको शामिल कर लिया अल्लाह ख़ैरुन हाफिजा अल्लाह का नाम है कि अल्लाफा इसके बाद इन अल्लाह ताला चीज़ों की बहसत हफीज़ अल्लाह के क्या क्या अमूर हैं मैं कुछ बताऊंगा वल्ला ही मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो सोच रहा हूं बस जब आप आने वाले हफ़्ते को सुनेंगे बेजन आपको एहसास होगा कि अल्लाह सुबहान वालफीज़ हैं तो उसमें कितनी वसात है फिर उसके बाद एक और दर्ज दूंगा तीसरे हफ्ते में इनशा कि अल्लाह ती की एक खसूसी तौर पर अल्लाह ताली हफीज़ हैं एक अमूमी तौर पर एक खसूसी तौर पर वो कैसे हैं वो वाक़ता सुबह अल्लाह दिल की दुनिया बदल देने वाली बात है एक बात आज के दर से मुतल एक ये भी बता दूँ आपको कि अल्लाह सुबहान ताली अल्लाफी हैं जो अल्लाह का जो नाम है उसमें कोई दुनिया का कोई इंसान शरीक नहीं है अम्ब्या अली मुसतम की दावत का एक हिस्सा यह भी था कि वो लोगों को यह भी कहा करते थे कि भाई हम हफीज़ नहीं हैं यानी इस मानने में कि जो अल्लाह हफीज है उस एतबार से तो हम हफीज़ नहीं हैं समझे आप इस बात को मसलन सूरत में शुैब का किस्सा है शुएब अलीम के कौम लोगों से कहा कि देखो तुम धोखा मत करो तिजारत में नापतोल में कमी मत करो गलत बिल मत बनाओ तुम जो चीज बेचते हो जायज नफा लो वो तुम्हारा हक है कहा कि बकीयतल्ला खैरुम इनकुन तुम मिनीन लेकिन बक्तुल्ल क्या मतलब यानी जायज़ नफ़ा जो अल्लाह की तरफ से आपको जो बचत मिलती है आप सही अंदाज में नाप्तुल करते हो इसके बाद जो आपको फायदा हो रहा है वो आपका जायज़ हक़ है और उसमें बहुत बेहतर है वो बहुत बेहतर है वो बक़ैतल्ला ही लकुम इन कुंतुम मुमिनीन अगर अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो यकीन रखते हो उसकी बातों पर उसकी वादों पर कि अल्लाह ताला इसमें कितनी बरकत रखी है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता वमा अना अलैकुम बिहाफिज़ मैं तुम पर हफीज़ नहीं हूँ मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ मैं तुम्हारे अकवाल तुम्हारे अफाल, तुम्हारे चार चरण तुम्हारे अंदरून घुस के मैं कोई निगरानी करने वाला नहीं हूँ वो तो हाफिज अल्लाह है मैं बस कहता हूँ आपको समझ रहे इस बात को मल ना बेहफी हूँ अल्लाह के रसूल आली स्तलाम ने नाम के आए थे जो पढ़ने जा रहा हूँ कौम के पीछे आपने बताया बताया समझाया सब कुछ किया कहा कि मेरे कौम के लोगों देखो तुम्हारे सामने वाजे वाजे ठोस दलाई ला चुके हैं बसा बसी की जमा बसी दलील के एतबार से सबसे बड़ी दलील उससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती बसीरतुन ऐसी दलील को कहते हैं दलील वो भी क्लब्स है ना हक वो भी एक लफ् है बुरहान वो भी एक लफ् है इलम वो भी एक लफ्ज़ है यकीन वो भी एक लफ्ज़ है एक वफ्ज़ है लेकिन बसरतन ये सब में इसमें शामिल है कहा कि कज्जाकुम बसा रब तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ अल्लाह तुम्हारे पास अल्लाह तला की तरफ से हर तरह के वाजि दलाइल आ चुके हैं कि अल्लाह तुम्हारा मबूद बरहक है ये कुरान अल्लाह का कलाम है मैं अल्लाह का नबी हूँ मोहम्मद आलतम फमन अब सरा फली नफ्सी अब जिसकी दिल की आँखें खुल चुकी हैं जो समझ चुका है मसल को वो अपने ही फ़ायदा पहुँचा रहा है वामन हामिया जिसकी दिल की आंखें बंद हो चुकी हैं जो दिल का अंधा हो चुका है वो अपना ही नुकसान पहुंचाएगा और मैं वामा बफ़ीज समझे आप सतुलनिस तो में भी है कि मैं रसूल फ़कत अमा सलीम हाफी जो रसूल की अतिहात की उसने गोया कि अल्लाह की अतिहात की अगर कोई मुंह मोड़ता है तो आप उसकी हाफीज़ नहीं उसके हक़ में आप एक बात आखिरी हमारे दरसे मतलब बार बातें इन आने वाले दरस में रखूँगा वही कि अल्लाह अबूमी अलफ़ीज़ हैं तो इसका एक अमूमी माना मैं आपको बता दे रहा हूँ दो माने आते हैं इसके अंदर एक ही कि अल्लाह सुबहान हर इंसान के अकवाल उसके अफ़ाल उसकी नकियाँ उसकी बुराइयाँ उसका नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना उसकी सारी चीज़ों को सारी चीज़ों की हिफाज़त कर रहे हैं अबीन हमारी जिंदगी का कोई पल मतलब नहीं होगा और उसी के मुताबिक अल्लाह सुबहान या सजा देंगे कोई चीज नहीं है जैसे होता नहीं एक आदमी पकड़ा गया है अब उसकी जांच हो रही है ऐसा नहीं होगा सब सब अल्लाह के पास महफूज है कोई चीज जये नहीं होगी किसी पर जुल्म नहीं होगा सब चीजें रिकॉर्ड में हैं अल्लाह सुबहानो ताफिज हैं दूसरी बात यह है कि अल्लाह सुबहान तला अल्ला हाफिज़ हैं इंसान को पहुंचने वाले हर नुकसान से अल्लाह बचाते रहते हैं अल्लाह हाफिज़ हैं वरना जो हमारे आने जाने का जो सफर है जहां हम रहते हैं जो हालात जो जदि टेक्नोलॉजी में खासकर इंसान जीरा आज हो या कदीम जमाने में हो दो मिनट में इंसान मर जाएगा जो हालात हैं लेकिन करोड़ों करोड़ों इंसान में एक दो लोगों की ऐसी नाजुक हालतें आती हैं उसमें अल्लाह की हिम्मत है ये वरना ये इतने सारे लोगों की जान जो है मतलब साठ साल की जो बात है तो साठ साल तो मतलब ननानवे फ़ीसद लोग तो साठ साल तो जी ही रहे हैं ना एक फ़ीसद लोग हैं जो उससे कम में जी रहे हैं तो इतने सारे लोग साठ साल गुजार रहे हैं तो कौन निगरानी कर रहा है इनके वो है अल्लाह तो अल्लफ़िज का ये एक माना मत वाजी हो है आपको तफसी में आने वाले हफ्ता बताऊंगा और एक बात ये भी मालूम कर लें कि अल्लाह ताला अल अल्हफ है तो दुनिया भर के कुफ़ार के लिए अल्लाह अल हाफ़ीज़ हैं वल्ला कीमूमी तौर तो पर अल्लाह हाफ़ हैं उनके लिए अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला तो ख़ुसूसी तौर तो पर हफीज़ हैं वो कैसे उसकी तफसर में आगे बताऊँगा इन शाला तो बक़्या तफसत आने वाले हफ्ते में कुछ उसके बाद वाले हफ़े में कुछ इन शाला आपके सामने रखूँगा सुबह अस्ताफ़रुका तो भी